छत्तीसगढ़ में बारिश तबाही मचा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश रायपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ में रिकॉर्ड की गई है। करीब 12,000 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 6,000 लोगों के सर से छत हट चुकी है। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत कैंपों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हालत की समीक्षा कर रहे हैं। अब आपको आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश तबाही मचा रही है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, द रूरल प्रेस डॉट इन देख रहे हैं आप। अब सबसे पहले आपको बताते हैं रायगढ़, जांजगीर चांपा का हाल। जांजगीर में महानदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हीराकुंड बांध का गेट खोल दिया गया है। बारिश की वजह से 4,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ प्रभावित 2,091 लोगों को 45 राहत शिविर में भेज दिया गया है। रायगढ़ के बरमकेला के 18 और पुसौर क्षेत्र के 9 गांव बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। जिले में 21 राहत कैंपों में 2,389 लोगों को रखा भी गया है। जांजगीर पामगढ़ के बीच बन रही सड़क का पुल पूरी तरह से बारिश में छत विक्षत हो गया है, टूट गया है, जिसके कारण आवागमन भी पूरी तरीके से प्रभावित है। अब आपको बताते हैं अगले जिले के बारे में। ये है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में बारिश के कारण 26 गांव प्रभावित हुए हैं। यहां 24 कैंपों में 1,393 लोगों को रखा भी गया है। कलेक्टर ने बताया कि बाढ़ में फंसे 35 लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में भेजा गया है। अधिकारियों की बैठक के बाद ये बात सामने आई है कि जांजगीर चांपा, रायगढ़, राजनांदगांव और बलौदा बाजार में कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ तबाही मचा रही है। अगर बात करें राजनांदगांव और खैरागढ़ जैसे इलाकों की, तो राजनांदगांव कवर्धा मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। खैरागढ़ स्थित आमनेर नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। शिवनाथ नदी के किनारे की बस्तियों में पानी भरा हुआ है। जिले के मोगरा बैराज, सूखा नाला और धुमरिया बैराज से 38,000 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हुई है। लेकिन प्रशासन है कमर कसे हुए है और लगातार लोगों को सेफ जगह में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। राजनांदगांव से बालोद जाने वाले मार्ग पर स्थित है मोगरा का छोटा पुल। इसमें 8 फीट से ज्यादा ऊपर पानी बह रहा है। इसके कारण यहां से आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। हालांकि एक छोटे पुल से वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शुक्रवार देर शाम हालात की समीक्षा की है। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के कलेक्टर से बारिश और बाढ़ से लोगों को जान बचाने के लिए राहत के निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यधिक बारिश के कारण जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोविड-19 संक्रमण के साथ यह दोहरी चुनौती हमारे सामने है। उन्होंने कैंप में भोजन, पानी और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उचित व्यवस्था करने की निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि समय के साथ ये बारिश प्रदेश में कितना कहर बरपाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो और लाइक कर दें। शुक्रिया।